हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट गेमिंग। तो गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो आप सब कैसे हैं? मैं जानता हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन पहले मेरे एग्ज़ाम्स थे, उसके बाद हमारा इंटरनेट रिचार्ज ख़त्म हो गया था। और फिर मैंने, अगर आप लोगों ने हिंदुस्तान गेमर चपाती और लॉगी का नाम सुना होगा, तो उनके दुबई की सिटी तो देखी होगी माइनक्राफ्ट में। फिर मैंने वो बनाई, उसके बाद मैंने कुछ और भी चीज़ें बनाई हैं, ये देखो। और ये मैंने सब कुछ सर्वाइवल में बनाया, ये देखो, ये है मेरी डुप्लीकेटिंग मशीन। और आज हम ट्रेडिंग करेंगे कार्टोग्राफर से, ताकि हम वुडलैंड मेंशन का या ओशियन एक्सप्लोरर मैप मिल जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे पहले से ही ब्लॉक डुप्लीकेट करके रख रखे हैं। तो पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। इंटरनेट कनेक्शन न होने की वजह से मैंने जब ये खेला तो मुझे ऑगी मिला, और उस ऑगी के साथ में को मारने के बाद मुझे ये इतना ख़तरनाक आर्मर मिला। देख रहे हो गाइस, कितना ख़तरनाक है, मतलब ये बूट्स, ये लेगिंग्स और उसका हथियार देखो। ये मैंने नेदराइट में कन्वर्ट कर लिया है, ये देखो नेदराइट स्वॉर्ड की। अब एन्चेंटमेंट्स देखो आप गाइस, ये एक्स की तो पूरी दिखावी शो भी नहीं हो रही। ये हमारा बो फुल पावर, ये हमारी शवल, और इनके मैंने इस यहाँ पे एक मैंने चेस्ट लगा दी, इसके अंदर सामान रख दूँगा, वो क्लोन हो जाएगा। और ऐसे मैंने क्लोन करके इसमें काफ़ी सारा रख लिया, देख रहे हो गाइस। मतलब अभी हमें लावा से भी बहुत कम डैमेज होगा। तभी मैं आप लोगों को जल्दी से मोटी मोटी एक बार दिखा देता हूँ दुबई सिटी, और फिर हम कार्टोग्राफर से ट्रेडिंग करेंगे। अरे चढ़ जा भाई, और मैं एक कमल की बात बताऊँ, मुझे अभी तक जो नेदर है ना, उसमें एक भी नेदर फोर्ट्रेस नहीं मिली, है ना कमाल की बात। और देखा गाइस, मैं ऊपर से कूद के दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो एक बार मैं जल्दी से ऊपर से कूद के दिखाता हूँ आपको कितना डैमेज होता है मुझे। और जल्दी से घर पे भी जाना पड़ेगा, रात होने वाली है, देख रहे हो। देखो गाइस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरा, देखो हाफ हेल्थ गई। और ये स्पॉनर्स सोच रहे होगे, तो ये स्पॉनर्स मैंने लगाए हैं। आपको मैं ये ट्रिक बता दूंगा कि एक वर्ल्ड से, जो माइनक्राफ्ट में वर्ल्ड्स बना दें हम, उससे दूसरे वर्ल्ड में वही सामान कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये मैंने खुद भी ऐसे किया, मैंने ये मत सोचना कि मैंने स्क्रिप्टिंग की करके बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को शो करूँगा, और वो ट्रिक 101% वर्किंग है गाइस, 101%। जो ये आर्मर है, ये मेरा इस वाले वर्ल्ड में खो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था बिल्कुल। मैंने दूसरे वर्ल्ड में भी पढ़ा था, ये मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था पहले, वहाँ से मैंने ट्रांसफ़र करके यहाँ पे मंगाया। अभी हम सो जाते हैं और मैं आप लोगों को सुबह मिलता हूँ। तो गाइस, सुबह हो चुके हैं, मैं नीचे अपने वेयर हाउस में हूँ। तो हम थोड़ा सा खाना खिला देते हैं, बहुत भुक्कड़ा ये प्लेयर, और बाहर बाहर ज़ॉम्बीज के मरने की आवाज़ भी आ रही है। ये सबसे ओपी आर्मर है गाइस, माइनक्राफ्ट का सबसे ओपी आर्मर। ये स्पाइडर का देखो, क्या स्पाइडर मेरे स्विमिंग पूल में नहाएगी, हैं? मेरे स्विमिंग पूल में नहा रही थी गाइस, देख लो, हमने ये अपने लिए बनाया है इसके लिए। तो अभी हम चलते हैं कार्टोग्राफर से ट्रेडिंग करने। मेरे पास एमरल्ड्स भी काफ़ी सारे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम पहले आज अपना शुगर केन फार्म बना लेते हैं, क्योंकि कार्टोग्राफर से ट्रेडिंग करने के लिए मुझे वो तो चाहिए गाइस।
पेपर्स चाहिएंगे और पेपर शुगर केन से ही बनते हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिए ऑब्ज़र्वर बनाने पड़ेंगे। ऑब्ज़र्वर की तो वैसे मेरे पास कमी है नहीं, फिर भी मैं एक बार सारा सामान इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ गाइस। तो गाइस मैंने ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म के लिए पिस्टन तो बना लिए, लेकिन हमें क्वार्ट्स के लिए जाना पड़ेगा नेदर में। मैं अभी नेदर में चलता हूँ, लेकिन मेरा जो नेदर पोर्टल है वो बहुत सारे पिकलेंस में है और बिल्कुल बंद जगह पर है। और गाइस कमेंट करके बता देना कि वॉइस सही से आ रही है या नहीं। तो ये देखो गाइस, मैं नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए यहाँ तक गया था, और हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी है कि हमें आते ही क्वार्ट्स मिल गया। देखता हूँ, और कोई पिकेक्स भी नहीं है। और ये मत सोचना गाइस कि ये ओगी की पिकेक्स है। ओगी की पिकेक्स गाइस इतनी खतरनाक है, अगर मैंने उससे एक ब्लॉक भी तोड़ दिया ना, इतने नेदर उस ब्लॉक में से जो निकलता है वो इतने निकल आएंगे कि पूरी गेम लैग होने लग जाएगी। और ये जब मैंने क्लोनिंग मशीन बनाई थी यूट्यूब से देख के, उस में मैं एक ब्लास्ट फर्नेस ही मिलती है हमेशा। वैसे इतनी काफ़ी हैं, मैं क्लोन कर सकता हूँ इन्हें, लेकिन मैं खुद बनाना चाहता हूँ। ओ गाइस ये टूट गया, इसे मुझे वापस लगाना पड़ेगा वरना हमारे नेदर पोर्टल खराब की लुक खराब हो जाएगी सारी। मैं खाना खा लेता हूँ और दूसरी रात होने जा रही, और मैं अभी ऑब्जर्वर बनाने के लिए मेरे पास 12 क्वार्ट्स हैं जो कि बहुत हैं। मैं 5 ही का बनाऊंगा, क्योंकि बड़े वाला मैं बाद में बनाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं पहले सो कर उठ जाता हूँ और ऑब्जर्वर बना लेता हूँ। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म यहाँ पे बना लूँ, तो मैं एक बार जल्दी से बना लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और इतना इंटरनेट नहीं मिलता हमें, तो इसलिए मैं बना के दिखा देता हूँ और आपको बता दूंगा कि ये कैसे बना है। तो गाइज ये शुगर केन फार्म रेडी हो चुका है, हमारे सारे शुगर केन आएंगे इसके अंदर, और दिखा देता हूँ आपको ये कैसे बना हुआ है। यहाँ पे ऑब्जर्वर लगाने, यहाँ पीछे फेस करके, और इनके नीचे लगाने होते हैं पिस्टन, स्टिकिंग पिस्टन नहीं, सिंपल पिस्टन। पिस्टन लगेंगे आगे से, और उनके उनसे पहले शुगर केन नहीं लगेंगे क्योंकि आगे पानी नहीं होगा। 2 ब्लॉक की 5 लाइन के गड्ढे कर लेना, जितने भी गड्ढों का बनाना है। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ, सो के आ जाता हूँ फिर बताता हूँ। तो सुबह हो चुके हैं, तो मैंने बता दिया 2 ब्लॉक का गड्ढा करना है जो, और यहाँ पे एक चेस लगा देनी है। इस चेस से नीचे जो दूसरी लेयर है उसमें होपर्स लगा देना, होपर्स अटैच कर देना, और होपर्स अटैच करने के बाद ऊपर से पानी डाल देना और शुगर केन, उनके पीछे 1 ब्लॉक ऊपर पिस्टन लगाने, फिर उसके ऊपर ऑब्जर्वर, और पीछे ऐसे एक लाइन बना के इस पर रख देना हमें रेड स्टोन, और फिर यहाँ पे चेस से अटैच कर देना तो आपका ये, और ये ग्लास से कवर कर देना वरना जो आपके शुगर केन था ना वो इधर उधर गिर जाएंगे। तो मैंने कवर भी कर दिया और ये आपका शुगर केन फार्म रेडी हो चुका है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना है यार, बिल्कुल फ्री है। एक सब्सक्राइब करने में आप लोगों का क्या जाता है, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और कुछ बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय गुड बाय।